वेलकम टू आवर चैनल कोलैब क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5D। ये एक्सरसाइज 5D ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर, टेक x एज द ब्रेथ एंड एक्सप्रेस लेंथ इन टर्म ऑफ x। If the area of rectangle is 216 centimeter square, find the value of x. x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, the perimeter of rectangle, एक rectangle है जिसका perimeter कितना दिया हुआ है, 60 centimeter। और यहाँ पर देखिए, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 216, यानी इसका एरिया कितना दिया है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर और एरिया गिवन है। और यहाँ पर कह रहा है कि ब्रेथ को क्या लेना है हमें, टेक एक्स एज अ ब्रेथ, यानी ब्रेथ क्या है, एक्स है। ये चीज समझ में आया। और देखिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता, क्या होता है पेरीमीटर, 2 × L + B। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया होता है और वो पेरीमीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 60 है, फिर 2 × L, लेंथ क्या होगा, टेक x एज ब्रेथ एंड एक्सप्रेस लेंथ इन टर्म ऑफ x। लेंथ को हमें x के टर्म में ही लिखना है, ठीक है, तो ब्रेथ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। ये चीज समझ में आया। और यहां पर हम लेंथ को l ही लिखें, अभी लेंथ को अभी हम l ही लिखते हैं, ये चीज हो गया। अब एरिया क्या है, एरिया 216 है, और फॉर्मूला क्या है, l × b क्या है, x। ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ये चीज हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 60/2 30 हो जाएगा। और इधर है l + x, लेंथ कैसे लेना है, x के टर्म में, तो l है, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो लेंथ का यहाँ आ गया x के टर्म में। लेंथ क्या लिख सकते हैं, 30 - x, क्या लिख सकते हैं, 30 - x। ये लेंथ हमने कहाँ से निकाला, फर्स्ट वाले इक्वेशन से निकाला, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से निकाला, तो अब रखेंगे कहाँ l की वैल्यू, सेकेंड वाले इक्वेशन में। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 216 इज इक्वल टू लेंथ की जगह 30 - x, और x यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 × x 30x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर है 216, ये माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 30x प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ प्लस 216 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो बहुत सिंपल है, तुरंत हम निकाल लेंगे आंसर, चाहे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करें और चाहे फॉर्मूला से करें, फैक्टराइजेशन मेथड या फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करें, फैक्टराइजेशन मेथड से a × c करना रहता है, तो a × c, a क्या है, 1, c क्या है, 216, a पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, ये हो गया। तो प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी इन दोनों को ऐड करके हमें 30 लाना है, उसके पहले कोई भी वैल्यू हो हमें वहाँ नहीं देखना, तो इन दोनों को ऐड करके 30। अब इन दोनों को ऐड करें, 30 नहीं आ रहा, फिर से इसका फैक्टर करें, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 4 लिखें तो 4 × 5 = 20 और ये 54, अब सब्ट्रैक्ट करें, अभी भी नहीं आ रहा है, अब फिर से इसका फैक्टर करें इसको, तो क्या कर सकते हैं, 54 को 2 और ये 2 × 2 = 4 × 1 = 5 = 27। अब यहाँ पर करें इसे, 4 × 2 = 8 और ये 27, अब दोनों को ऐड करें, 30 नहीं आ रहा है, फिर से फैक्टर करते हैं, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, जैसे 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 9
और ये 8 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर करेंगे, अब 9 को जैसे और इसका फैक्टर निकाल लें पूरा, 2 into 2 into 2 हो गया, और ये 3, और ये 3 into 3 पूरा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लाना है, 30 लाना है, और बहुत सारे हैं, हमें क्या लाना है, सिर्फ 2 चाहिए हमें। किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 जे 6 2 जे 12, 3 2 जे 6 2 जे 12 हो गया, 3 3 जे 9 2 जे 18 हो गया। अब ऐड करें कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, यानी यही दोनों वैल्यू होंगी। देखिए समझ में आ रहा है ना कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड की पूरी एक एक्सरसाइज करा चुके हैं, देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 30x की जगह लिखेंगे 18x प्लस 12x प्लस 216 इज इक्वल टू 0। खोलेंगे ब्रैकेट, ये हो गया, यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 18, यहाँ से 12 कॉमन माइनस 12 कॉमन तो x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 12 1 जो 12 और ये 18, ये हो गया x माइनस 18 कॉमन, और इधर x माइनस 12 हो गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से x की वैल्यू 18 और यहाँ से x की वैल्यू 12। x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, एक आ रही है 18 और दूसरी क्या आ रही है 12। और हमें निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x ही निकालना था, और x आ गया हमारा 12 और 18, यही दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर, यही दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। नोट कर लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ वरांडा इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वरांडा। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक वरांडा होगा इस तरीके से, ये यहाँ पर, यहाँ क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ वरांडा इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ये ब्रेथ है ये लेंथ है, तो ये लेंथ 3 मीटर ज़्यादा है, लेंथ 3 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बार बार ये समझा रही हूँ कि ये जैसे इस तरीके से जब हम इसको वे करते हैं तो क्या होता है, जो भारी होता है या जो बड़ा होता है वो कहाँ जाता है, नीचे, और जो हल्का होता है वो कहाँ रहता है, ऊपर, ठीक है। अब यहाँ इस हल्के, अगर दोनों को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करना है, जैसे हम इस तरह वे कर रहे हैं, एक बड़ा हो गया वो नीचे और एक छोटा वो ऊपर आ जाएगा, हल्का रहेगा ऊपर आ जाएगा। अब दोनों को इक्वल करना है तो क्या कर सकते हैं, इसमें समान को और ऐड कर दें तब इक्वल हो जाएगा, या तो इसमें से समान को निकाल लें, या छोटे वाले में ऐड कर लें तब बराबर हो जाएगा, या बड़े वाले में से माइनस कर देंगे तब बराबर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, आया। अब देखिएगा यहाँ पर, द लेंथ ऑफ अ वरांडा इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से ये 3 मीटर ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है। अब दोनों को इक्वल करना है, क्यों हमें इक्वल करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। अब ये रहा लेंथ और ये रहा ब्रेथ, दोनों को इक्वल करना है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, कौन छोटा है, ये छोटा है, कह ही रहा है कि लेंथ 3 मीटर बड़ा है, ये बड़ा है, हम ऐड कहाँ करेंगे, छोटे की तरफ, क्यों, क्योंकि तब बराबर हो जाए, तो ऐड करेंगे ये छोटा, ऐड कितना करेंगे 3 मीटर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर जो छोटा है वहाँ पर ऐड कर देंगे तब बराबर हो जाएगा, जो बड़ा है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है लेंथ ऑफ वरांडा 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ 3 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, ये 3 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, यानी ये बड़ा है ये छोटा, ऐड किधर करेंगे, छोटे वाले की तरफ। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया, जो एरिया होगा
और जो पेरीमीटर होगा दोनों इक्वल है। अब इसका एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल के जैसे है तो इसका एरिया होगा एल इंटू बी और पेरीमीटर टू इंटू एल प्लस बी। एरिया क्या होगा एल इंटू बी और पेरीमीटर क्या होगा टू इंटू एल प्लस बी, ये हो जाएगा। अब दो इक्वेशन यहाँ से आ गई और जैसे ही दो इक्वेशन आ जाएं हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, यानी एक वेरिएबल चाहिए। यहाँ दो हैं यहाँ दो हैं, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल से, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि लेंथ की वैल्यू बी प्लस थ्री, तो हम लेंथ की वैल्यू उठा करके यहाँ लिख देंगे कितना है बी प्लस थ्री और यहाँ पर बी, बी प्लस थ्री और यहाँ पर बी। अब देखिए अब सिर्फ एक ही वेरिएबल है वो है बी, और जैसे एक ही वेरिएबल आ जाएगा हम इसे सॉल्व कर सकेंगे, तो ये हो गया। अब इसे सॉल्व करें तो ये बी स्क्वायर प्लस थ्री बी, यहाँ पर टू बी प्लस थ्री बी प्लस टू बी, अच्छा यहाँ सिर्फ थ्री रहेगा, थ्री टू जस सिक्स हो जाएगा, थ्री टू जस सिक्स टू बी और ये टू बी, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ लिखा है थ्री बी, ये दोनों प्लस में इधर आ जाए, ये टू प्लस टू फोर बी हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस फोर बी, प्लस सिक्स इधर आएगा माइनस सिक्स हो गया, हो गया ये। अब यहाँ पर बी स्क्वायर इन दोनों को माइनस बी, माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया, आया समझ में। अब चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से और या फॉर्मूला मेथड से निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये लिखा हुआ है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है इसे अच्छे से समझ लीजिए, इसी पे कंफ्यूज होते हैं, बाकी यहाँ से तो आपको सॉल्व करना आता है, इसके आगे बस ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन हमें बनाना कैसे है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो ए इंटू सी, ए क्या है वन, सी क्या है सिक्स, ये प्लस में और सी है माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें यहाँ पर वन लाना है, बी के पहले क्या है वन है ना, तो वन लाना है, उसके आगे प्लस माइनस हो वो नहीं देखना, वन चाहिए हमें, सब्ट्रैक्ट करेंगे वन नहीं आ रहा है, फिर से हम इसका फैक्टर करें, थ्री इंटू टू कर सकते हैं, थ्री इंटू टू हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ रहा है वन, तो क्या लिखेंगे थ्री बी माइनस टू बी, माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया, माइनस थ्री बी माइनस माइनस प्लस टू बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, बी कॉमन तो बी माइनस थ्री, यहाँ से टू कॉमन तो बी माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, बी माइनस थ्री और यहाँ पर बी प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, बी माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और बी प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से बी की वैल्यू थ्री और यहाँ से बी की वैल्यू माइनस टू, बी के कितने वैल्यू आ गए थ्री और माइनस टू। अब देखिए क्या कभी ब्रेथ, क्या किसी की लेंथ कभी निगेटिव हो सकती है, कभी भी नहीं। हम कोई चीज़ को नापेंगे क्या कभी निगेटिव आएगा, नहीं आएगा, तो ये तो आंसर कट गया। ब्रेथ क्या आया यहाँ से थ्री आ गया, ब्रेथ आ गया, अब यहाँ पर रख करके हम लेंथ भी निकाल लेंगे, लेंथ क्या आ जाएगा थ्री प्लस थ्री यानी सिक्स, लेंथ हो गया थ्री सॉरी लेंथ हो गया सिक्स और ब्रेथ हो गया थ्री, हमें यही निकालना था डायमेंशन, तो डायमेंशन आ गया हमारा, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ हॉल इज 288 मीटर स्क्वायर, इफ द लेंथ वर इंक्रीज्ड बाय 6 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर द एरिया वुड बी अनअल्टर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ रूम। एक रूम है एक हॉल है, इस हॉल का लेंथ और ये ब्रेथ है, एरिया क्या गिवन है, एरिया है यहाँ पर 288 मीटर और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एरिया गिवन है तो यहाँ पर एरिया हम लिख लेते हैं, यानी 288 की जगह क्या होगा एल इंटू बी, ये हो गया, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या लिखा है इफ़ द लेंथ वर इंक्रीज बाय 6 मीटर, अगर लेंथ को हम 6 मीटर इंक्रीज करते हैं तो ब्रेथ 4 मीटर डिक्रीज हो जाएगा, द एरिया वुड बी अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड मतलब स्थिर होना यानी ना बदलना, तो जब हमने लेंथ को बढ़ाया और ब्रेथ को घटाया तो भी एरिया वही है,
एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एरिया वही है 288, सिर्फ लेंथ क्या हुआ 6 मीटर बढ़ा और ब्रेथ 4 मीटर घट गया। दो इक्वेशन आ गई, ये और ये, दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन से हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया। 288 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल इन टू बी, देखिए तो यहाँ हो जाएगा एल इन टू बी और इधर हो गया एल प्लस 6 और ये बी माइनस 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बी, यहाँ एल इन टू बी माइनस 4L, 6B माइनस 24, ये हो गया। प्लस एल बी इधर आएगा माइनस एल बी, तो एल बी माइनस एल बी ज़ीरो हो गया, तो इधर हो गया ज़ीरो। ये क्या आया 6B माइनस 4L माइनस 24, माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हर जगह 2 कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया हमारा 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, इधर से आ गया 12, 3B माइनस 2L, ये आ गया। अब देखिए ये हमने क्या किया है, सेकेंड वाली इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो अब यहाँ दो वेरिएबल हैं और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, तो हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ से हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से बी की ब्रेथ की क्या लिख सकते हैं वैल्यू, 288 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी बी हो जाएगा 288 अपॉन एल। बी कहाँ है, ये है 3, बी की जगह 288 बाय एल माइनस 2L, ये लिखा हुआ है, सॉल्व करें इसे, ये 12, 38 जो 24, 2, 38 जो 24, 25, 26, 2, 32 जो 6, 7, 8 अपॉन एल माइनस 2L, ये हो गया। अब लेते हैं एलसीएम, एल एलसीएम आ गया, यहाँ 864 माइनस 2L स्क्वायर और इधर 12, डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 12L इज इक्वल टू 864 माइनस 2L स्क्वायर। आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएं तो ये माइनस में इधर आया, प्लस में हो गया, ये प्लस 12L लिखा हुआ है और इधर ये माइनस 864 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। समझ में आया यहाँ, अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ L, यहाँ 6L, यहाँ 24 जो 8, 3 और 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। और 0 डिवाइडेड बाय 2 0 ही आएगा, यानी यहाँ से क्या आया, L स्क्वायर प्लस 6L माइनस 432 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर इसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें या फार्मूला से, तो फार्मूला से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है फार्मूला। फार्मूला में रखेंगे l माइनस बी क्या है 6, फिर यहाँ पर b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, ए क्या है 1 और ये c माइनस 432 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1, ये हो जाएगा माइनस 6, 36 माइनस माइनस प्लस 42 जा 8, 43 जा 12, 44 जा 16 1 17 और ये 2 इंटू 1 2 आ गया, ये चीज आया। अब क्या करें, अब इसे आप नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एल इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, ऐड करेंगे तो 6 ये हो जाएगा 4, 33617 अपॉन 2, 1764 का हम फैक्टर निकालें तो 1764 फैक्टर निकालेंगे तो 28 और 2, 24 4 और 1, और 441 हमें पता है 21 का स्क्वायर होता है, 21 इंटू 21 ये हो गया। तो 1764 जो लिखा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 21, 2 का पेयर, ये पेयर बन गया, यहाँ से बाहर आया 2, यहाँ से बाहर आया 21, यहाँ से क्या आ गया 42, यानी 1764 42 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 42 का,
यहाँ से लेंथ निकालेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 42 अपॉन 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और माइनस माइनस 42 अपॉन 2 ये हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 36/2, और यहाँ आ जाएगा माइनस 48/2, यहाँ से एल लेंथ आ जाएगा 18 मीटर में है मीटर, और यहाँ से लेंथ क्या आ जाएगा माइनस 24। क्या कभी लेंथ निगेटिव हो सकता है? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा, 18 मीटर, यानी द लेंथ ऑफ द रूम इज 18 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। यहाँ से ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।